संभल जनता की समस्याओं का त्वरित गति के साथ निस्तारण के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी महोदय मनीष बंसल की अध्यक्षता में तहसील चंदौसी में किया गया। बहुत ही गंभीरता के साथ जनता की समस्याओं को सुनने के बाद विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर उनका निराकरण करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, कोई भी फरियादी समस्या के समाधान के उद्देश्य से ही सरकारी कार्यालयों में आता है, इसलिए जनता की समस्या का समाधान करना हम सब के लिए सर्वोपरि है। कोई भी निराश होकर नहीं जाना चाहिए। जब तक फरियादी द्वारा की गई शिकायत के समाधान से संतुष्ट न हो जाए, तब तक शिकायत का समाधान नहीं माना जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि शासन द्वारा संचालित समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक, जनपद के हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए, जिससे कि आम आदमी योजना से सीधा जुड़ सके और लाभान्वित। इसमें से प्रथमता चकबंदी विभाग से संबंधित है। चकबंदी विभाग के अंतर्गत यहाँ पर कई गांव चकबंदी में हैं, जिनके कब्जे समय पर ना मिलना या फिर चकबंदी में एसओसी डीडीसी की पोस्टिंग ना होने के कारण कुछ मामले लंबित रह जाना, इसके संबंध में किसानों ने शिकायत करी है। शासन को इस संबंध में पत्र लिखकर हम लोग कहेंगे कि डीडीसी की अगर पोस्टिंग हो सके तो हो जाए। और वर्तमान में एडीएम एफआर के पास चार्ज है, उनको भी मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि अगर किसानों से संबंधित कोई भी मामला है तो उसको तत्परता से सुलझाया जाए। दूसरा, बिजली से संबंधित काफ़ी शिकायतें हैं। वर्तमान में हमारे समस्त बिजलीकर्मी, समस्त एक्सीएन एसडीओज जेईज जो हैं, लगातार फील्ड में बने हुए हैं ताकि बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। विशेष रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बिजली की समस्या ज़्यादा पाई जा रही है, उन क्षेत्रों के लिए एमडी विद्युत को भी लिखा गया है। वहाँ पर क्षमता प्रवर्धन करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है, और अगर किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की कोई लापरवाही परिलक्षित होगी बिजली समय पर, जिसके कारण किसानों को या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में या लोगों को ना मिल सके, तो उसके संबंध में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ बिंदु स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़े हुए थे, स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सभी लोगों को मिलें उसके संबंध में, और साथ ही साथ कुछ जगह पर अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स या क्वैक्स के संबंध में शिकायत आई है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर और एक फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करके FIR दर्ज कराने की कार्रवाई भी की गई है, और अगर कोई और शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी। सर, जनपद में पैथोलॉजी लैब चल रही है, जो दूसरी संस्थाओं के नाम पर यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अगर कोई भी ऐसा निजी पैथोलॉजी लैब जो कि बिना सक्षम डॉक्टर्स के चल रही हैं और उसमें यदि किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त। लेकिन दिल्ली से उन्होंने जो है डॉक्टर्स का नाम उन्होंने यहाँ रख रखे हैं, तो उसमें क्या होगा? देखिए, किसी भी लैब को चलाने के लिए किसी ना किसी पैथोलॉजिस्ट के नाम पे ही रजिस्ट्रेशन होता है, और उस लैब के जितने भी सैंपल्स हैं उनका निरीक्षण, उनकी जाँच उस पैथोलॉजिस्ट के द्वारा ही की जानी होती है। यदि यहाँ पर कोई लैब का सैंपल कलेक्शन सेंटर है और उसकी जांच विधिवत रूप से पैथोलॉजिस्ट के द्वारा की जा रही है तो उसको चलाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अगर लोकल लेवल पर ही अगर कोई फर्जी तरीके से सैंपलिंग करके जांच कर रहा है और फर्जी रिपोर्ट लगा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई जाएगी और ऐसे पैथोलॉजी सेंटर्स को सील भी करवाया जाएगा। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ TV खबरों की पड़ताल। नमस्कार।